अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल अरसियम्स कुजीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है एक सिंपल सी चटनी बनाने की, जिसको हम लोग किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर चाहे तो हम लोग फ्राइज़ के साथ भी खा लें तो वो भी ठीक है, अगर रोटी सालन के साथ खाना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो चलें, इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले मैंने ये लिए शुगर, ये है मेरे पास लाल मिर्च जो होती है आम घरों में सालन वगैरह में यूज़ की जाती है, ये वो है। फिर उसके बाद मैंने लिए नमक यहाँ पे, और ये है मेरे पास ओरिगैनो। ओरिगैनो से जो है वो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और हर चीज़ के अंदर जो है वो पिज़्ज़े जैसे पिज़्ज़े के अंदर से स्मेल आती है ना, वो इसी की वजह से होती है। तो यहाँ पर मैं इसको भी यूज़ करूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी थोड़ा सा विनीगर, ये मैंने लिया विनीगर। उसके बाद ये मेरे पास है क्लासिक मायो। अब जो रेसिपी है वो इसी के साथ बनेगी, तो यही जो है वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं डाली जाएगी। तो सारी मेन चीज़ें जो है वो अमूमन घरों में यूज़ होने वाली हैं, इस वजह से कोई ऐसी बाहर की जो मतलब मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें वो ऐसी कोई भी नहीं है। तो चलें, अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो अब मैं लेती हूँ यहाँ पर एक स्पून, उसकी मदद से जो है वो सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसके अंदर मायोनीज़। तो वो जाएगी इसके अंदर जितनी आप लोगों को ज़रूरत है, मतलब जिस हिसाब से आप लोगों को चाहिए उतनी डाल लीजिएगा। मैं अब यहाँ पर बस थोड़ी सी बनाऊँगी, 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज लूँगी मैं यहाँ पे, और फिर बाकी रेसिपी जो है वो उसी के अंदर शामिल करूँगी चीज़ें। यहाँ पर मैंने ये मायोनीज थोड़ी सी ले ली है इसके अंदर, 2 से 3 टेबलस्पून ये। उसके बाद अब बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ इसी के अंदर जो है वो शामिल करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है, ये इतनी सी मैंने ली है, तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगे ये बस। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ स्पून जो है वो ये वाला, इसके अंदर जाएगा चीनी का सिर्फ इतनी सी, क्योंकि मैं जो है वो थोड़ी बना रही हूँ, थोड़ी क्वांटिटी है मेरे पास, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करूंगी। उसके बाद मेरे पास नमक जाएगा, नमक भी जो है वो सिर्फ इतना सा नमक भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास है लाल मिर्च, लाल मिर्च भी जाएगी सिर्फ इतनी सी, इससे जो है वो स्पाइसी बनेगी और जो है वो हर चीज़ के साथ इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल लिया। उसके बाद अब जाएगी इसके अंदर जाएगी ओरिगैनो। ओरिगैनो जो है वो मैं डालूँगी सिर्फ थोड़ी सी, तकरीबन इतनी सी, ये भी तकरीबन आधा जो है वो चम्मच ही बन जाती है। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दी, इससे जो है वो स्मेल बहुत अच्छी आएगी और खाने के अंदर जो है वो इसका जायका भी अच्छा होगा। उसके बाद एक एडिशनल चीज़ है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो वो है अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया जाता है घरों में अमूमन हमारे मौजूद होता है, तो मैंने वो यहाँ पर लिया है सिर्फ इतना सा। ये जो है वो एडिशनल, अगर आप लोग ऐड करना चाहें, अगर आप लोग को फ्लेवर अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना इसके जो है वो कोई ना भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद अब हमारी एक चीज़ रह गई है, वो है विनीगर। विनीगर जाएगा इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स बस, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। जो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने सब आपको बता दी, अब हम उसको करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी जो है वो चटनी अच्छे से तैयार हो गई है। इस चटनी को जो है वो हम लोग किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग फ्राइज़ के साथ यूज़ करें तो वो जो है वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो बस ये जो हमारी थी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब ये देख लें, ये है इसकी फाइनल लुक। देखें शक्ल से ही जो है वो एक अच्छी सी लुक आ रही है इसकी, और जो है वो खुशबू भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके अंदर ओरिगैनो डाला था, और जब बाकी चीज़ें भी ऐड कर दी गई, लहसुन अदरक वो जो था उसका पेस्ट बनाया था मैंने, तो वो जब ऐड किया उसकी भी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक जी। तो गाइस, ये थी मेरी आज की रेसिपी, अब फाइनल लुक भी मैंने दिखा दी है। मैंने 7 फ्राइज़ बनाई हैं और जिसके साथ मैं खाऊंगी इसको, और इसका जायका बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ। और साथ मैंने ली है टोमेटो केचप जो आम घरों में होती है हमारे। अब इसको मैंने तो डिश आउट कर लिया था, तो मैंने ये अब लास्ट इसका जो है वो है सीन, अभी आप लोग देख लीजिए, ये थी इसकी फाइनल लुक। तो चले जी, उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा,
और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए आप लोग उसको जो है वो फ़ौरन देख सकें। तो चलिए, तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।